जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपको इस चैनल पे। आरपीएफ जीके की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फुल बुक लिस्ट किस तरीके से हमें करना है, हमें एटलीस्ट कितना पढ़ना है और यूट्यूब सोर्सेज वगैरह हमें क्या क्या फॉलोअप करने चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, करंट अफेयर की सारी बातें इसमें डिस्कस हो जाएंगी। साथ ही साथ तुम लोगों के लिए लूशन और लेके बैठी हूँ, जिनको भी दिक्कत आ रही है ना कि क्या पढ़े, लूशन से कहाँ से पढ़े, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। मैंने खुद ने आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 साथ ही साथ आरआरसी ग्रुप डी 2-3 बार निकाला हुआ है, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है रेलवे के एग्जाम्स का। सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू गिव यू द एडवाइस। तो इस एडवाइस को आप लोग लोगे, अच्छे से लेना। वीडियो इससे अच्छी तुम्हें जनरली यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत रेयरली ये बात बोलती हूँ, आपको एक एक चीज लिख लिख के सारी चीज बताई हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना प्लीज, अपने भाई बहनों के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना चाहो शेयर जरूर करना, आप लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को ये वीडियो बहुत बाद में मिल रही है, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले भी मिल रही है, तो आपके लिए एक जादू की टिप दी हुई है मैंने लास्ट में, आप उसको देख के भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। 45 प्लस का टारगेट जो है वो आप सच में अचीव कर सकते हैं। आरपीएफ का एग्ज़ाम इतना भी मुश्किल नहीं आता जितना मुश्किल आप लोग सोच के चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। करंट अफेयर में, स्टैटिक जीके में आप लोगों को जो भी परेशानी आती है, सारी परेशानियों का हल दिया हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी तक आरआरबी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट सितंबर के बाद ही होगा, अक्टूबर या नवंबर में शिफ्ट होने के चांसेस हैं। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है पढ़ने का, तो वो पढ़ने का जो टाइम है वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ले आना, और आज पेशेंस के साथ पूरी वीडियो पहले देख लेना, तब बताना कैसी लगी, ठीक है। तो अभी आते हैं हम जरा कॉपी पे। देखो आज की वीडियो में हम लोग बुक लिस्ट, यूट्यूब सोर्स और हाउ टू मेक दिस टारगेट, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो देखो आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो समय जाता है ना, वो दो चीज़ों में जाता है, एक तो जाता है आपका मैथ्स में और एक जाता है आपका जीके में। जीके ये सबको पता है कि जितना भी ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा लो ये उतनी वर्थ इट नहीं होती है, पर अब हमें अच्छे से पढ़ना भी है, हमें सारी चीज़ें डिस्कशन भी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जीके को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो जीके है तुम्हारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, साइंस। साइंस का पोर्शन बहुत भर भर के पूछा जाता है आरआरबी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मान सकते हैं कि पॉलिटी हो गया, ठीक है, आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, साथ ही साथ अगर आप लोग बात करें तो ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, दूसरा एक पोर्शन आपका है स्टैटिक जीके का, और एक सबसे भारी भरकम जो पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर। ये जितना देखने में आसान और लिखने में आसान लग रहा है उतना एक्चुअली में होता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस की अगर बात करें, साइंस के लिए अगर मैं बुक की बात करूँ तो एक लूसेंट की बुक आती है, ठीक है, बुक आती है लूसेंट की, आप लोग उस बुक को ले लो। एक अलग से बुक आती है, एक तो ये जो ब्लू वाली बुक है वो तो है ही, ये जो ब्लू वाली बुक है ये तो है ही, साथ ही साथ आपकी लूसेंट की एक अलग से बुक आती है साइंस की, तो आप लोग वो ले लेना, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो 9th-10th क्लास में हो, तो अगर आप 9th और 10th की साइंस पढ़ लो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। 9th और 10th की एनसीईआरटी, मतलब इससे बेस्ट रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे ना, अभी जब जो मैं लास्ट में आपको टिप दूंगी, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो इसी में से दिख जाएंगे, 9th और 10th की बुक में से, तो आप लोग ये कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे कोई भी मैराथन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली तीन सब्जेक्ट का रहे, किस किस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आपका आता है वो आता है बायोलॉजी का, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस भी बताए हुए हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, अभी बताया तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटी की। देखो पॉलिटी के लिए आप लोगों को लूसेंट से अच्छा इलाज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, लूसेंट सबसे बेस्ट इलाज है तुम लोगों के लिए, क्योंकि लूसेंट में सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप लोग लूसेंट से बहुत अच्छे से कर सकते हो। नहीं तो नवीन सर हैं, एक RWA चैनल पे नवीन सर हैं, उन्होंने मैराथन क्लासेस कराई हुई है कुछ, तो एक बार आप एक काम करो कि एक बार वो मैराथन क्लास देख लो 5-6 घंटे की जो भी है, उसके बाद आप लोग पॉलिटी की जो जो भी चीज़ें हैं, मतलब पॉलिटी में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको ऐसे कवर अप कर लेना, ठीक, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। सेम आप लोग हिस्ट्री में कर सकते हो, हिस्ट्री की भी लूसेंट बहुत बढ़िया है,
लूसेंट से अच्छा कुछ नहीं है। लूसेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो तुम लोग पढ़ लो। साथ ही साथ नवीन सर की मैराथन वीडियो तुम लोग देख सकते हो। नवीन सर ने पॉलिटी की भी कराई हुई है और हिस्ट्री की भी कराई हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर उस मैराथन के ऊपर वो लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस जीके लिखा हुआ है तो वो यूपी पुलिस के लिए ही है, वो तुम वो सबके लिए है, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही इसके लिए भी है और यही इसके लिए भी है और सेम यही इसके लिए भी है। लूसेंट आप लोगों के लिए सबसे बेटर रहेगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस की, कि स्टैटिक जीके तुम्हें करनी किससे है। देखो सबसे पहले तुम्हें ये तो करना ही करना है भारत में जो प्रथम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये भारत में प्रथम पुरुष वगैरह ये सारी चीज़ें भी बहुत बढ़िया से करनी है, ठीक। उसके बाद भारत में प्रथम जो महिला है ये भी चीज़, और ये अन्य वगैरह जो है ये भी पोर्शन तुम्हें पूरा का पूरा करना है। साथ ही साथ ये आप लोगों को पूरा कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से देखो विश्व में प्रथम जो है ये भी थोड़ा बहुत देख लेना अभी, पर वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। विश्व में छोटा बड़ा ये बहुत देख के जाना, क्योंकि रेलवे जो है ना स्टैटिक जीके से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हम लोग बात करें कि ये जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ वगैरह हैं ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये हो गया, ये बहुत अच्छे से करके जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये बढ़िया से करके जाना। फिर उसके बाद बात हो गई आपकी ये पूरा का पूरा बढ़िया से कर देना, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है कहाँ नहीं है ये सारी चीज़ें बढ़िया से पढ़ लेना। फिर आप लोगों से बात करें तो ये भी पूरा देख लेना, ये पीछे वाला ही होता है ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये भारत के मुख्य पर्यटन स्थल, तो मैंने ये देखो निशान लगाया, मैं आप लोग बाद में उससे निशान लगा सकते हैं, यही मेन है, ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समाधि स्थल वगैरह देख लेना, समाधि स्थल के क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी सर। प्रमुख वाद्यंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें भी पढ़ के जाना, इससे भी बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करें नोबल पुरस्कार की, हिस्ट्री विस्ट्री तो ये पूरी की पूरी आप लोग कर लेना, ठीक। इतना कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये वाली चीज़ें, ठीक है। ऐसे ये प्रमुख भारतीय लेखक वगैरह, तो ये चीज़ें आप लोग स्टैटिक जीके में कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इस मेन टॉपिक की, करंट अफेयर की। देखो करंट अफेयर को यहाँ लिख देते हैं। करंट अफेयर जो है ना, आप लोग कुमार गौरव सर का चैनल है, कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस, ठीक है। ये पर मंथ के करंट अफेयर लेके आते हैं हर महीने के, इनके मंथली करंट अफेयर आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो स्पीडी की बुक खरीद सकते हैं, स्पीडी की ब्लू कलर की बुक आती है करंट अफेयर की स्पेशली, तो करंट अफेयर की आप स्पेशली इनकी बुक ले सकते हैं। एक और बात, जो एक और पोर्शन है जो जीके में आता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो आता है स्पेस का, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी प्लस आपका रेलवे का, कि रेलवे का इतिहास क्या है, कितनी पटरी होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपसे पूछी जाएगी 100% बात है। तो ये सब चीज़ आप लोग कहाँ से करेंगे, ये सब चीज़ें सबसे पहला। अब आता है हमारा जादू की टिप, जो जादू की टिप आप लोगों को मैं बताने वाली थी वो जादू की टिप ये है, आप लोग स्पीडी खरीद लो, ठीक है। स्पीडी एक तो साइंस की आती है और एक आती है जीके की, थोड़ा सा पैसा तो खर्च होगा पर आप लोग ये दोनों बुक ज़रूर खरीद लो। जितने भी आप लोग क्वेश्चंस करते जाओ, मान लो आपने लूसेंट लगाई, ठीक है, एनसीईआरटी लगा ली, ठीक है, यूट्यूब की मैराथन सब देख ली, पर क्वेश्चन कहाँ से पता चलेंगे, क्वेश्चन पता चलेंगे आपको इससे स्पीडी से। तो स्पीडी आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए, स्पीडी की बुक अगर आप लोगों के पास होगी तो आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिवाइज अप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को पता चल पाएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे। और रेलवे अपने क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करता है और वह जो रिपीटिशन होगा वो स्पीडी के थ्रू होगा। तो आप लोग स्पीडी ज़रूर ले आना साइंस की और जीके की, उसमें आपको ये स्पेस और एस्ट्रोनॉमी का भी पोर्शन मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, और रेलवे का ही पोर्शन मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए सारी बुक लिस्ट मैंने बता दी है, सब कुछ बता दिया है, अब कुछ नहीं बचा। देखिए कितना पसीना हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से तीन बुक मैंने सजेस्ट करी है। सबसे पहली बुक लूसेंट तो सबके पास होती ही है, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करके चल रहे। तीन बुक में से क्या है, एक तो स्पीडी की साइंस, एक स्पीडी की नॉर्मल जीके जो जनरल अवेयरनेस आती है, और तीसरी अगर आप लोग कुमार गौरव सर के करंट अफेयर नहीं करना चाहते तो आप स्पीडी की करंट अफेयर की बुक ले सकते हैं। अगर आपने इतनी बुक लिस्ट साथ ही साथ जो यूट्यूब सोर्सेज मैंने बताए हैं इतना फॉलो कर लिया तो आपके 101% मार्क्स इंक्रीज होंगे और 40+ पहुंचेंगे, ठीक है। जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा उसके 45 तक भी जा सकते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें कर लेना। देखो पसीना मतलब कसम से बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ना बताते बताते तुम लोगों को, अब शेयर नहीं करा ना तो कौन ही मारोगे सबके, अच्छे से शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, बहुत मेहनत करी है जेन्युइनली बनाने में, तो प्लीज़
कमेंट करके बताना। कोई अगर आपको परेशानी लगी हो, कुछ इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो भी बताना। जय हिंद।